अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1, इफ एफ ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 3 एंड एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब स्टूडेंट, यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है और हमें ये बताया गया कि जब हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -3, और जब हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। अब हमने करना क्या है इसमें, हम देख सकते हैं कि फंक्शन में हमें a भी नज़र आ रहा है और b भी नज़र आ रहा है। अब इस a और b की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। अब सबसे पहले जब हम फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -3। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे तो पावर इसकी 3 है, माइनस ए इंटू 2 स्क्वेयर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। अब हमें बताया गया है कि जब हम एफ ऑफ 2 जो है वो पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -3, यानी कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू -3 है। तो एफ ऑफ 2 की जगह पे हम ले सकते हैं यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस 1। माइनस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 1, हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब ये माइनस 3 को भी हम जो है वो राइट साइड पे ले आते हैं तो हमारे पास जो है फॉर्म बनेगी 9 प्लस 3 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब 9 प्लस 3 होता है हमारे पास 12, 12 माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 12 और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 4a प्लस 2b इक्वल टू 0, तो इनमें से 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 और समथिंग 0 होता है, हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जब फंक्शन की यहाँ पे हम माइनस 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0। अब हम एक्स की यहाँ पे पुट करेंगे माइनस 1, एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस ए इंटू माइनस 1 स्क्वेयर, माइनस 1 स्क्वेयर आ गया यहाँ पे बी इंटू माइनस 1। अब एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब होता है हमारे पास माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस ए, यहाँ पे माइनस बी प्लस 1। अब एफ ऑफ माइनस 1 जो है वो हमें गिवन है इक्वल टू है 0 के, तो एफ ऑफ माइनस 1 की यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस ए माइनस बी। अब इसको अगर हम राइट साइड पे ले आए तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास माइनस 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें अब माइनस 2a प्लस बी है और प्लस 6 है, यहाँ पे लिखा हुआ a प्लस बी। अगर हम इक्वेशन 2 को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो बी है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। उस ए की वैल्यू को हम जो मर्जी इक्वेशन में यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास जो है वो बी का आंसर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे कि यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, माइनस 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। माइनस 2a माइनस ए हमारे पास आंसर आएगा माइनस 3a, प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस 6c इज इक्वल टू 0। माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो गई और यहाँ पे a इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया यहाँ पे 2। अब a की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी।
अब हमारे पास ए की वैल्यू आई है 2, अब इस ए की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, पुट ए इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2, तो वहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, अब ए की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू माइनस 2, अब हमने